Assalamu alaikum everyone, this is Ikra here and welcome to the Javed Publishers. In this video, we are going to learn about the new letter of alphabets. And today, our video SLOs are to recognize the letter A, to articulate their sounds, to give the word bank and to writing practice of A. So let's get started. Achha, how many of you know the sound of A? आप में से किस किस को पता है ए का साउंड? जरा सोचिए. चलो आई गिव यू द हिंट. एप्पल, आंट, एलिगेटर. जरा सोचिए, व्हाट इज द साउंड ऑफ ए? द साउंड ऑफ ए इज आ. एप्पल, आंट, एलिगेटर. डियर टीचर्स, प्रीवियसली हम बच्चों को ए से लेके जी तक सब कुछ पढ़ा चुके हैं विद देयर फोनिक्स. आप बच्चों से पूछिए कि व्हाट इज द साउंड ऑफ ए. उसे पूछिए कि ए से क्या क्या वर्ड्स आते हैं. इस तरह आपको पता लग जाएगा कि बच्चे अपने फोनिक्स में कितने ग्रिप है उनकी. और आपको इस तरह पता भी लग जाएगा कौन सा बच्चा इज ऑलरेडी नो अबाउट द फोनिक्स और कहाँ पे आपको जो है फोकस करने की जरूरत है. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ. सिंग अ साउंड. ए इज फॉर एप्पल, आ आ एप्पल. ए इज फॉर आंट, आ आ आंट. A is for alligator, a alligator. Now think about A से और क्या क्या आता है. जरा सोचिए. Aeroplane. और क्या क्या आता है? Almond. Yay. Now move on your book. Look here. Wow, what is this? Look here. This is apple. And do you know what is the color of apple? The color of apple is red. And how many of you like the apple? Good. Apple is very good for our health. Now look here. Aunt. मुझे aunt से एक song याद आ गया. Aunt show me aam, ah ah ah. Aunt show me aam, ah ah ah. Aunt show me aam, ah ah ah. It causing me alarm. Now look, what is this? Alligator. This is very dangerous. It's a wild animal. Alligator. Now, what is the next picture is? This is aeroplane. Aeroplane. और आपको पता है कि aeroplane क्या होता है? ये कहाँ पे होता है? अच्छा, aeroplane हवा में उड़. Now look here. What is the next picture is about? Oh, this is very healthy. This is a dry fruit. This is almond. जिसको हम बादाम भी कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए. तो वी शुड ईट द एप्पल एंड एलमंड एवरी डे. चलिए अब चलते हैं राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ. बना लेना है और इस पॉइंट से फर्स्ट एक स्लांट लाइन जाएगी जो पॉइंट टू को सिलेक्ट करेगी. उसके बाद दोबारा आपने पॉइंट वन पे जाना है और उसको दोबारा एक स्लांट लाइन बनानी है जो पॉइंट थ्री पे जाएगी. यह है हमारा हाफ ट्राइंगल बन गया और सेंटर में आपने एक लाइन लाइन ड्रॉ कर देनी है. एंड दिस इज हाउ और ए लुक लाइक द कैपिटल ए. स्मॉल ए आपने पहले सर्कल सा बना लेना है, बट नॉट ए प्रॉपर सर्कल पर इट लुक लाइक सर्कल. इसके थोड़ी सी लाइन ऊपर जानी है और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से आपने नीचे लाइन लानी है और हल्का सा कर्व दे देना है. एंड दिस इज हाउ द स्मॉल ए लुक लाइक. Dear teachers, writing skill play a very vital part in the child development and growth. So develop करने के लिए आपको कुछ writing strategy अपनानी होंगी जिससे उनके writing skills बहुत improve हो जाएंगे. First of all, आप बच्चों को Play-Doh दीजिए जिससे वो A बनाइए. A बनाएंगे. आप उनको कहें कि वो simple हवा में A बनाएं, A capital या small. आप उनको कहें कि अपनी कलाई पे या उनके साथ गेम खेलें कि बच्चे अपने फ्रेंड की बैक पे लिखेंगे. उसके अलावा बच्चों को आप फ्लोर मैट बनाइए. खुद ही चौक से सिंपल एक फ्लोर मैट बनाइए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिखिए और बच्चों से कहें कि वो ए पे जंप करेंगे या बच्चों से खुद कहें कि वो ए लिखें और बच्चे फिर उस पर जंप करें इस तरह. और उसके अलावा जावेद पब्लिशर्स की राइटिंग बुक के थ्रू आप जो है बच्चों को होमवर्क या क्लास वर्क भी दे सकते हैं. Thank you so much for watching the video. Keep growing, keep learning, keep loving and stay connected with Javed Publishers.